कर्नाटक के सुंदर जगहों में ब्रह्मागिरी, पुष्पागिरी, कोशाद्री और आदिकालेश्वर भी एक जगह है। यहाँ पंचभूतों से पहाड़ भरा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है क्योंकि साल 940 ईस्वी में दक्षिण भारत में व्यवसाय करने के लिए आए मंगोलियन के राजा तखू में उनका ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छा संबंध होने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। राज्य की संपत्ति को अपना बनाने के लिए वहाँ एक नौटंकी करने वाली औरत ने राजा के साथ शादी कर ली। काम के सिलसिले में राजा बाहर जाते थे तब वो अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाती थी, जिससे उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। 7 सालों तक उसने इस राज को छुपाए रखा। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने उस नाजायज बच्चे के साथ साथ उसके प्रेमी को भी जलाकर मार दिया और उसने अपनी पत्नी को कोड़े मारने का आदेश दिया जब तक कि वो मर नहीं जाए। ऐसा आदेश देकर वो अपने राजमहल में चला गया। बच्चे को खोने का दुख, प्रेमी को खोने का दुख, और वो भी इस पूर्णिमा की रात वो अपनी आत्मा को भगवान बेताल को समर्पित कर देती है। और वो राजा चिंता करते करते एक दिन आत्महत्या कर लेता है। राजवंश जिसका धीरे धीरे अंत होने लगता है। उस वक्त एक पंडित ने कहा कि ये सब उस औरत का श्राप है और उसके परिहार के लिए लामा मोजी को आदि कालेश्वर पर्वतों में भेजते हैं। स्वामी जी, आपने उस बंगले के बारे में पूछा तो मेरी जान ऊपर नीचे होने लग गई। गाय, बकरे या कोई भी ग्रामीण उस बंगले की तरफ जाता है तो उसकी बलि वहीं चढ़ जाती है। 40 सालों से यहाँ के गांव वाले उस बंगले की तरफ मुड़ के भी नहीं देखे। वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो बंगला वही है। उस आत्मा ने बेताल को समर्पण किया है। उस आत्मा को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें दिन, तिथि, नक्षत्र, शून्य सभी देखना ही पड़ेगा। और जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं वहां पर जाकर उस आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। बच्चों, भाई को, शेर को, चमकते हुए स्टार को, कराटे किंग को स्टंट मैंने ही सिखाया है। ये प्राइज कैसे मिला है पता है क्या? ये चुरा कर लाया है। अबे पागल, भाड़े मिलाकर शौक पूरा करने वाली बॉडी नहीं है मेरी, उंगली करता है मुझे। तूने कभी लाइफ में पलटी मारा है एक बार भी? ए, ये कौन सी बड़ी बात है रे? मैंने अपनी जिंदगी में 4-4 बार पलटी मारी है। ए, किक मारा है क्या तूने कभी? जी जी, पानी सोडा मिलाकर उसका ऐसे ही डाल दिया तो किक अपने आप बढ़ जाती है। मेरे जैसे स्टंट मास्टर बनने के लिए दम होना चाहिए, दम होना चाहिए। टन टन
मैचबॉक्स है क्या? हे, ये तो मेरा है। अरे पापा रुकिए, मुझे पता है कि आप एक्स फाइटर हो, लेकिन मामू के ऊपर आप अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? बांध जाए, मामू नहीं मामा बोल मेरे को। गणेश, प्रताप को लेकर अंदर आ तो। आ जाओ मामा। हाँ, आज मेरे को जरूरी काम है, तो मैं तेरे को देख लेता। जा, बहुत है क्या तेरे को। प्रताप, बिजनेस के लिए ऑटो दिलवाया है ना तुझे, फिर सारा काम हमसे क्यों करवाता है? मैं इसी काम के लिए आई हूँ क्या? देख, आज चिट्ठी के लिए जाना है, ब्याज का पैसा वसूल करना है। मजाक उड़ा रहा है मेरा? तुम्हारा पति छोड़ेगा तो जाऊंगा ना। अरे मामा, दीपक होटल में जाकर 4 diamonds, 6 gold and 3 silvers देकर आ जाना, सब सेम। हाँ, सिर्फ ब्रांड का नाम ही गोल्ड सिल्वर रखा है, मगर ये सब बेच कर गोल्ड कब पहनूंगी मैं? ए, मैं हूँ ना गोल्डन स्टार। ए, देख क्या बोल रहा है। कौन सा स्टार? गोल्डन स्टार। तुम स्टार नहीं, थाली हो। अरे थाली। मामा चले जाइए, नहीं तो माँ बेलन से आपको मार देगी। यहाँ चल, निकल 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 यहाँ से। कॉल आ रहा है। हेलो, मैं निम्मी बोल रही हूँ। किसका नंबर है ये? वो सब बाद में, पहले ये बताओ क्या तुम्हारे एरिया में कोई तालाब या कुआं है क्या? गणेश विसर्जन करना है? नहीं, अपनी जान देनी है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हाँ, मुझे कभी बताया नहीं। वो क्या है, मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी, मगर सब गड़बड़ हो गई। बात क्या है, सीधे सीधे बताना। उसके पापा को सब पता चल गया, तो वो उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती, समझ रही हो ना तुम? वो लड़का भी अपने पापा की बात मानकर दूसरी जगह शादी के लिए तैयार हो गया, मैं क्या करूँ बताओ? ठीक है, तू एक काम कर, लास्ट बार मिलना है ऐसा बोलकर ब्लू कलर की टी शर्ट पहनकर वैष्णवी सफायर हॉल में आने के लिए कहना। ये क्या मामा, 50% डिस्काउंट की बात कर रहे थे, दिख नहीं रहा है? हे निम्मी, हाँ? वो पक्का आएगा ना? रानी, वो आ गया है। अच्छा, चलो चलो। इसके लिए इतना हैंडसम लड़का कैसा है? ये ना सुपर। हाँ। ओह, ही इज लीविंग। चल चल चल। हाँ, चले चले चल। हे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो मेरी फ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा अरे मेरा टेंशन तुम नहीं समझ रही हो, चलो चलते। अरे एक मिनट, वो लोग अभी आप चलो ना। चलो क्या, चलो सुनो तो। कहाँ जा रहा है ये? पता नहीं कहाँ चले गए। 4th floor। हेलो सर। हेलो। विच परफ्यूम डू यू यूज? परफ्यूम नहीं, नहीं मैं कोई सेंट यूज नहीं करता सर। इट्स अ स्पेशल परफ्यूम, प्लीज ट्राई। सैंपल सर, सैंपल यूज करिए ना। स्पेशल परफ्यूम देखता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। यस, बहुत अच्छा है, और थोड़ा देना। गॉड, यस। मैं कहूँ
मैं कहाँ हूँ या खुना मुगल? हेलो रोमियो, कहीं का सबका दिमाग खराब कर रखा है। अब तक जो कुछ भी हुआ सपना समझकर भूल जा। ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? अरे तुम सब मुझे यहाँ पर उठा कर लाई हो तो झगड़ा करने के लिए या पप्पी देने के लिए, वही सोच रहा हूँ। क्या लगता है उस स्प्रे ने काम नहीं किया, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मैं शहर के पुलिस के लाठी से बेहोश नहीं हुआ तो क्या तुम्हारे डब्बा सेंट से बेहोश हो जाऊंगा? What a joke, ए, ज्यादा हंस मत। अपने हाथ को लेडीज का पीजी समझ रखा है क्या? कितनी लड़कियों को रेंट पर रखोगे? मेरी फ्रेंड निम्मी से प्यार करके सब कुछ करके अब दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हो? ए, निम्मी को मम्मी मैंने नहीं बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये निम्मी कौन है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा निम्मी को नहीं जानता? ना? वैसे तो मुझे भी नहीं जानता, अगर अखाड़े में उतर गया ना। एक बार और वैसा करो ना। क्या कहा? देखो लड़कियां चूल्हे के सामने रोटी बनाए तो अच्छा लगता है, ऐसे जवान लड़कों के आगे पैर उठाओगी तो ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या बताया? रानी नाम मत बताना। रानी आपका नाम क्या है? रानी निमी फोन कर रही है। हेलो निमी, कहाँ है तू, अचानक से गायब हो गए? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ लेकर आ गया, अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं और शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ए, रुक 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 रुक, रानी को फोन देती हूँ। रानी निमी तुझसे बात करना चाहती है। हेलो रानी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर शादी करने के लिए मंदिर में जा रहा है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, बाय। ए इडियट, तेरे लवर को तो मैं यहाँ उठा कर लाई हूँ। पागल, लगता है तू कंफ्यूज हो गई है, किसी और को ही उठा कर ले गई है। फोन रख। ठीक है। दंगल रानी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? वो कन्फ्यूजन में मिस्टेक हो गई, तुम जा सकते हो। हेलो, मैं वहाँ पर अपने धुनकी में घूम रहा था तो तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आई हो और अभी कह रही हो कि कन्फ्यूजन हो गया, तो तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहोगी तो मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला। मुझे गुस्सा आ गया तो। ए, धमकी दे रहा है क्या? और ऐसा भी क्या हो गया है? अभी क्या हुआ है ऐसा तुम मुझसे पूछ रही हो? एक हैंडसम सुंदर नौजवान लड़के को इतनी सारी लड़कियों ने किडनैप करके यहाँ लाया है, मान लो अगर किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट पर वायरल कर दिया तो मुझसे शादी कौन करेगा? इंजीनियरिंग किए हुए लड़के को लड़की कौन देगा? मुझे किडनैप करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था ना। मैं पहाड़ चढ़कर मार्गरेट के साथ उड़ने वाला रामाचारी बनूं तो भी कोई परवाह नहीं, मगर मैरिज किए बिना ब्रह्मचारी बनकर नहीं मरूंगा। जब से मैं जवान हुआ तब से मेरे माता पिता घर में बहू आएगी उसके हाथ का बना खाना खाएंगे सोच रहे थे, लेकिन अभी मेरे घर में बहू बनकर कौन आएगी? मैं आऊंगी। बहन जी वाह, हंसो हंसो, मेरी तकलीफ देखकर दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में मेरी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया ना तुमने। अरे भगवान, मुझे इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है, सर पकड़ कर रोने का दिल करता है मगर आंखों से आंसू नहीं आ रहे। Will you stop this nonsense? क्या तुमने मुझे नॉनसेंस कहा? अगर ये आप लोगों के साथ हुआ होता तो टीवी 1 से लेकर टीवी 10 तक तुम लड़कियां हंगामा मचा देती और मेरी लाइफ कचरा बन जाती। तुम्हारे लिए अलग न्याय और मेरे लिए अलग न्याय। हे भगवान हे भगवान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, अब यहाँ से जाओ तुम प्लीज। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाँ सॉरी कह दिया ना। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगो। बहन जी। हाँ हाँ बोलती हूँ, मांगो ना माफी। ओके रहने दो, मैंने मजाक किया, लड़कियां पैरों के पास नहीं दिल में बसनी चाहिए। क्या लेडी बॉन्ड, लड़का लड़की को उठा कर लाता है लेकिन लड़की लड़के को उठा के ला रही है, ये मैंने पहली बार देखा। देखो तुमने जो डील की है ना उसमें मेरे भाई का हिस्सा भी होना चाहिए। ए, किस डील की बात कर रहे हो? लेडी बॉन्ड का गेटअप, लोकेशन का सेटअप देखता हूँ तो तुम भी कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं हो। ए, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। ए, चलो से। ए, 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 उसको काम आती है, भाग रही है। चलो चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी। अरे कहाँ भागेगी? अरे कहाँ जा रही है? अरे देखो वो भाग रही है, पकड़ो उसको। ए, रुक। ए, रुक।
रानी, इसने हमारे लिए रिस्क उठाया है, इसे थैंक्स तो बोल। नहीं नहीं, सुबह एक्सरसाइज नहीं की थी ना, तो थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, थैंक्स की जरूरत नहीं। वैसे रोड पर जाते समय कभी टू व्हीलर का कोई स्टैंड लगा दे या फिर कार का दरवाजा बंद कर दे तो इतनी छोटी बात के लिए किसी को कोई थैंक्स कहता है क्या? कम लेट्स गो। मेरा डायलॉग मुझे ही हाँ। क्या जमाना आ गया है भांजे, कैसे कैसे लोग आ गए हैं, नाइट सूट पहनकर जॉगिंग करने के बदले रात को पार्टी में लेट हो गया होगा इसलिए दिन में ऐसे भाग रहे हैं। ए भांजे भाई देखो मजे लेता हूँ, किसने मारा मुझे? मेरी प्यारी, हेलो स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग, मैं भी पार्क में ही हूँ। You coming? I am coming. Bye bye भांजे, bye. अरे मामा, लड़की सेट होने के बाद बताना मुझे हाँ। ए, लगता लड़की का मामा है। चल चल, नंबर लेती हूँ। मामा, मामा, मामा। हेलो, हाँ यार। अरे कल तू कह रहा था ना कि तेरी गाड़ी को कोई उठा कर ले गया है, तेरी तो सिर्फ गाड़ी है यार, लेकिन कल मेरे साथ कुछ और ही हुआ, कुछ लड़कियों ने मुझे किडनैप कर लिया था। थोड़ा सावधान रहना, अकेले अकेले कहीं घूमना मत, और अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो मुझे फोन करना, मैं आकर उन लोगों की वाट लगा दूंगा। हेलो, लड़कों की आवाज़ सुनकर बिल्कुल मत घबराना, हम चुप रहेंगे तो शो ऑफ करेंगे, अगर हमने जवाब दे दिया तो मीटर ऑफ, हम लड़कियों को फेस कर सके इतना गट्स किसी मर्द में नहीं है। ए, गट्स नाम का वर्ड तो मर्द से ही पैदा हुआ है, भले ही वो लोग दंगल रानी होंगी तो हम लोग जंगल के राजा हैं, शेर शेर हैं हम लोग, शेर। हम लड़कियों ने अगर लड़कों से शादी नहीं करेंगे ऐसी स्ट्राइक कर दी तब वो क्या करेंगे? अरे लड़कों का दिल किया ना तो शेर को रस्सी से बांध कर ला सकते हैं, फिर लड़की को धागा बांध कर नहीं ला सकते हैं। ए, टेंशन मत ले, छोड़ना गोली मार। हेलो मिस्टर, क्या है? हा? हा? क्या हुआ चमक रहा है? क्या बकवास किए जा रहे हो? तब से देख रही हूँ लड़कियों के बारे में क्या क्या कहे जा रहे हो, जुबान को लगाम दो समझे। हेलो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्से में मैं काली बन जाती हूँ। काली नहीं तुम मुर्गी हो, मुर्गी चाहे जितना उड़े वो सम्राट नहीं बन सकती, बल्कि सांभर में गिरेगी। Just shut up. Why? Why I shut up? You पागल, तुम आधा दिमाग, etcetera, etcetera. Mind your language. First language is Hindi. हिंदी ही सत्य है, हिंदी ही नित्य है, हमेशा हिंदी बोलो। Oh, go to hell. हाँ मैडम, ये पब्लिक प्लेस है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये पब्लिक प्लेस है तो घर में जाकर बात करते हैं, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनने को ही नहीं मांगती, अब आप ही बताइए। किसके घर में? What nonsense? कौन हो तुम और मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं? यही है सर प्रॉब्लम, शादी होकर 3 साल हो गए हैं, मंगलसूत्र भी पहनती है लेकिन तुम मेरे पति हो ही नहीं ऐसा कहती है, शादी के बाद मेरा जीना हराम हो गया। सर ये कॉमन बात है, शादी के बाद ही प्रॉब्लम होती ही है। अरे क्या बॉस, ये क्या बात कर रहे हो, तुम दुनिया में किसी को भी मना सकते हो सिर्फ 2 लोगों के अलावा, एक है ऑफिस में टाई पहना हुआ बॉस और दूसरा है घर में मंगलसूत्र पहनी हुई बॉस। अरे बापरे, कुछ भी करो उसमें गलतियाँ ढूंढती रहती है। इस गूगल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? क्या है सर? बीवी। वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ भी सवाल करो आंसर देता है वो गूगल, और हर आंसर देने के बाद भी जो सवाल करती है वो बीवी होती है सर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सही कहा, सही कहा। तालियां बजाने में भी डर है, दरवाजा खटखटाने में भी डर है, और दरवाजा खोलकर अंदर जाने में भी डर है। बापरे क्या होगा लड़कों की जिंदगी का, बापरे बापरे बापरे। ए, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो बुलाओ ना पुलिस को, कल तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था ये मैं उन्हें बता देता हूँ। चलो बुलाओ पुलिस को, बुलाओ 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 पुलिस को, बुलाओ, आने दो उनको। अरे अरे पुलिस का नाम ले रहा है, हमें क्या लेना देना, चलो भाई चलो, चलो 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 चलो। अरे भाग्यवान, देख लिया ना, जब मजा मिलता है ना तो सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन गले में पड़ने वाला हो तो सब निकल जाते हैं। कष्ट आने दो या सुख आने दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बचपन से अब तक 4 दीवारी के बीच एक रानी की तरह पाला होगा, लेकिन मैं अपने दिल के बंगले में तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। कम से कम अभी तो मान जाओ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
अभी से ही नहीं, जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार कर रही हूँ। लव एट फर्स्ट साइट। सूर्य चंद्र जब एक ही राशि में आएंगे और उस अमावस्या को बंगले में रहने वाली दुष्ट शक्ति को काबू में किया जा सकता है। सत्य की शक्ति के आगे दुष्ट शक्तियां हमेशा पराजित हो जाती हैं और आज ये सही अवसर है जब हम इसे पराजित कर सकते हैं। स्वामी स्वामी, हाँ आप अंदर मत जाइए। गुरुजी, रन जरा एक मिनट आओ तो। वन सेकेंड। ओके। खुशी को कभी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? दुनिया में सभी खूबसूरतियों को एक साथ नहीं देख सकते। अरे लेकिन तुम्हें देखते ही सारी खूबसूरतियों को एक साथ देख लिया ऐसा लगता है। थैंक यू। रानी के साथ वो कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। आए हाय हाय, तुम्हारे गालों को देखता हूँ तो आए हाय हाय। गिली 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 गिली। सब कुछ तो ठीक है, बस एक गहने की कमी है। कौन सा? वो मोतियों का हार। मेरे पास है ही नहीं। तो मैं दूंगा ना। कोई देख लेगा। मैंने तो देख लिया। आंटी। क्या बेटा? वो कौन है आप जानती हैं क्या? अच्छा, वो कपूर फैमिली का इकलौता बेटा है। 1,000 करोड़ की जायदाद का अकेला वारिस। हेलो। अरे पांजे, वो शेट्टी के दुकान का ऑर्डर था ना, मसाले पाउडर का, उसका क्या हुआ? अच्छा, 8 बॉक्स गोल्ड, 4 डायमंड और उन्हें जितना चाहिए उतना सिल्वर भेज देना। और हाँ, अनाथ आश्रम में जो वार्षिक उत्सव चल रहा है ना, वहाँ पर मेरी तरफ से फ्री में 4 बॉक्स गोल्ड और 2 डायमंड भेज देना। आधे घंटे में काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। ओके ओके, थैंक यू भांजे। अरे बाप रे, 4 बॉक्स गोल्ड, 2 बॉक्स डायमंड अनाथ आश्रम के लिए फ्री में। कितना बड़ा आदमी है, 2 मिनट में ही करोड़ों की डील इसने फोन पे ही कर डाली। ये बड़ा आदमी है। अंजनों की शादी में तुम मुझे बुलाकर छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा क्या? क्या हुआ? चलो तो मैं निम्मी से मिलवाती हूँ, क्योंकि उन दोनों की लव स्टोरी के चक्कर में ही हम दोनों की लव स्टोरी सेट हो गई है। सिर्फ लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है क्या? दूसरा कुछ नहीं है। रानी, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ससुर जी, ससुर जी, वो कौन है आप जानते हैं क्या? कौन है? कपूर फैमिली का ओनली वन सन। क्या? हाँ। अपना कपूर? छोटा वाला? अरे हाँ, छोटा वाला। पापा जी है क्या? 1,000 करोड़ का वारिश? अरे ऐसा लड़का ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, पागल कहीं के। सॉरी, इस पागल के दिमाग में आ गया, आप में क्यों नहीं आया? वेट क्यों कर रहे हैं? चांस अच्छा है, जाके बात करिए ना। हाँ ओके ओके ओके। बेटा, मेरी बेटी को तुम पसंद करते हो?
जी हाँ अंकल। यस डैड। एनीवे अपने मम्मी पापा को कल घर लेकर के आओ, शादी की बात करते हैं। थैंक्स डैड। ओह माय डार्लिंग। ससुर जी अरे ससुर जी, अरे क्या बात है, मैं बाथरूम में था। ससुर जी अपने पास जितनी भी गाड़ियां हैं उनको मैं ले जाके कहीं छुपा दूं क्या? क्यों पागल हो गया तू? ऐसी बात नहीं है, वो लोग बहुत बड़े हैं। कौन? जो अभी आ रहे हैं। वो लोग करोड़ों रुपए तो जेब में लेके घूमते हैं। जो अपने पास है बेंज बीएमडब्ल्यू ऐसी कारें तो उनके सिक्योरिटी वाले लेके घूमते हैं। उनके पास तो फिरारी है फिरारी। ए मानिक, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है। सही कहा आपने, बहुत अच्छा। अरे मानिक ये तो फरारी का साउंड है। हाँ नया मॉडल होगा। अरे अभी गाड़ी रुकेगी ना, वहां पे बाथरूम कर लेना। ये क्या, लड़की को देखने ऐसे कोई आता है क्या? अरे ये लोग दूल्हे की तरफ से आने वाले लोग हैं। ससुर जी दूल्हे की तरफ से। दूल्हे की तरफ से? चलो आ गया, उतर जाओ, उतरो उतरो। अरे तुमने तो कहा था कि वो लोग फरारी गाड़ी से आएंगे, ये तो रिपेयरिंग गाड़ी से आए। वो क्या है कि ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए ये लोग ऐसी गाड़ी में आए हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हो? बहुत इमरजेंसी है, मुझे जाने दो वरना यहीं पे गड़बड़ कर दूंगा मैं। वहाँ कहाँ जा रहा है? यहीं किसी कोने में। कोने में किसी ने देख लिया तो? स्पॉट में नहीं किया तो अपने स्पॉट पे कर देगा। अरे किसी ने कुछ कहा तो? अरे वो कोई फिल्टर पानी है जो कोई आकर पूछेगा। अरे मेरा मतलब अगर कोई आकर चिल्लाने लगा तो? सब लिया है ना? दूल्हे की तरफ से आए हैं ऐसा बोल। बात तो सही है, ठीक है कोना पकड़ लेता हूँ। अरे बेवकूफ बेवकूफ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वो क्या है कि ब्लडी फूल चला। दीदी जीजू एक्सेल पे सेल पे सेल पे सब रेडी? हाँ हाँ ले देखो सब पोज़ दो। स्माइल। कैसे पोज़ दे रहे हो, जरा पकड़ो इसे। हाँ 150 रुपए किलो वाला एप्पल नीचे गिरा दिया। माँ वो नीचे पानी में गिरा हुआ है, उसे क्यों उठा रही हो? ए तू चुप कर, उन लोगों को धोना नहीं पड़ेगा ना। दो मुझे। ठीक है। घर तो अच्छा बनाया है, बड़ा सुंदर है, स्विमिंग पूल भी है। चूहे ने खा लिया? चूहे ने नहीं खाया, इसने खाया। अगर इस रिश्ते के लिए आप हाँ कह देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। वो क्या है ना, हमारा अपना खुद का बिजनेस है। ये मेरा इकलौता बेटा है गन्या। ये मेरा भाई प्रताप है, वो मेरे पति सुंदर है। ये दोनों मेरी बहनें हैं और ये मेरी माँ है। नमस्ते करिए। नमस्ते। मेरा नाम है सियाप्पा, मैं हूँ डीसी। आई एम डॉग कैचर। कुत्ते पकड़ने का काम है, कुत्ता सिनप्पा इसी नाम से फेमस है वो। कुछ लोग कुत्ता कमीना भी कहकर बुलाते हैं। जैसे ही मैं घर में घुसा मुझे कुत्ते की आवाज आई। आप कहें तो कल ही गाड़ी लाकर कुत्ते को उठाकर ले जाऊं। बोलो हाँ आऊं क्या? सुनिए जो है वो हमारा पाला हुआ कुत्ता। पाला हुआ तो अच्छा है ना, 100 रुपए एक्स्ट्रा देना, उसे भी उठाकर ले जाऊंगा। अरे भाई वो एक काम फ्री में करके दो ना। व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं? मैं सिनेमा में स्टंट मास्टर हूँ। रवि वर्मा, थ्रिलर मंजू, डिफरेंट डैनी, मास मादा, ये सब मेरे ही चेले लोग हैं। पलटी सुंदर नाम है, बड़ा ही फेमस है। आपको एक पलटी मारकर दिखाओ क्या? चुपचाप बैठे रहिए वरना जो पिछले हफ्ते कमर में पट्टी लगी थी ना वो निकल जाएगी। मिस्टर गणेश लेट्स गेट टू द पॉइंट, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? एक्चुअली आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्री यूनिवर्सिटी 2 इयर्स इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी। पास की है, सीधे सीधे बोल सकते हो। थोड़ा स्टाइल में बताना था ना इसलिए ऐसा बताया सर। उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ने के लिए तो बहुत इंटरेस्टेड था सर, विश्वेश्वर जैसा बनने के लिए घर का फ्यूज निकाल कर मैं खंबे के नीचे बैठकर रात रात भर पढ़ता था सर। एग्जाम में मार्क्स तो आए हैं ना? एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिले सर, मगर मच्छरों का काटा हुआ बदन पर खुजाते खुजाते मेरे बदन पर मार्क्स आ गए सर। कॉमेडी। इसमें क्या कॉमेडी है? आपके बेटे की उम्र में मैं ऑटोमोबाइल कंपनी का ओनर था। अरे वाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके पास भी ऑटो है और मोबाइल है, इसलिए ऑटोमोबाइल का ओनर है, पर ऑटो अब मैं चलाता हूँ।
कितनी सुंदर है। ओह सदा खुश रहूंगी बच्ची। गले लगाओ इसे। गड़िया एकदम महालक्ष्मी जैसी है ये लड़की। बहुत जल्दी शादी हो जाए और तुम हमारे घर में आ जाओ। अपनी बेटी की तरह रखूंगी तुम्हें। रियली आई एम वेरी लकी आंटी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। आपके रूप में मुझे अपनी माँ चाहिए। सुमा देवी टाइम निकल रहा है। डिस्कुम डिस्कुम करके थाली बदल लेते हैं। ये पकड़िए। हेलो आस्क हिम टू क्लियर गार्बेज इमीडिएटली। इट्स माय ऑर्डर। ये बिना बात किए चले गए। कुछ गड़बड़ है क्या? आई एम सो सॉरी पापा। आप लोगों की ऐसी इंसल्ट करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब इट्स ओके। पापा आपने ये सब बहुत गलत किया। हाँ रतनलाल जी, मेरे एक फोन करने से आप अमेरिका से यहाँ आ गए। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। अरे चंदूलाल जी, आपका रिश्ता हम ठुकरा सकते हैं क्या? रतन जी, आपका नेटिव कौन सा है? हमारा नेटिव हाँ? हल्दीपुर है। हल्दीपुर हाँ? अरे वहीं का तो मैं भी हूँ। आपके पिता का नाम क्या है? गोपी मंजरी। गोपी मंजरी हाँ? मेरे पिताजी का नाम है गोपी, मेरी माँ का नाम है मंजरी, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं गोपी मंजरी का बेटा हूँ। बहुत ही फनी है। लड़की तो पसंद आई तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है? एक्सक्यूज मी, लड़की को भी पसंद है मगर थोड़ा शर्माती है। रॉयल होटल में मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। अब मैं क्या करूं गणी? प्लीज गणी डू समथिंग प्लीज। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अभी ताजमहल देखने के लिए हजारों लोग आते हैं तो सबका उन पर हक हो जाता है। वो अपना समझने लग जाएंगे क्या? उनका हक हो जाएगा क्या उस पर? क्या तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। उस लड़के का नाम धीरज है। एक मिनट यहाँ पर धीरज मैं हूँ। हाँ मिल गया बोलो। उसी लड़के से शादी करने के लिए डैड फोर्स कर रहे हैं। हाँ प्लीज गणी आई वांट यू। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। आई नो लिविंग यू नो वरी। तुम हाँ कह दो तो तुम्हारे पिताजी ने जिसे बुलाया है ना उनके सामने तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा। व्हाट से मुझे उस बेवकूफ से शादी नहीं करनी है। अच्छा उसे छोड़ो, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। भाग चलते हैं क्यों?
अरे यहाँ पर तुम्हारे पिताजी हैं, आराम से आ जाओ तुम। तुम्हारे पापा चंदूलाल बावर्ची अपनी शादी धूमधाम से करवाएंगे, आ जाओ। पर गणेश वो? अरे तुम टेंशन मत लो, जहाँ तुम्हारे पिताजी बैठे हैं वहीं पर आ जाओ। डालडा मक्खन वाला बिस्कुट है तू। देखा, तुमने कहा तो मैंने ये एंगेजमेंट कैंसिल करवा दी, अब इस खुशी में मुझे पप्पी वप्पी कुछ नहीं दोगी क्या? ओके, वो सब देख रहे हैं क्या? डोंट वरी, सबको अपनी आंखें बंद करने को कहता हूँ। आ जाओ, आओ ना, दो ना। हेलो मिस्टर, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। मेरा नाम है गणेश, मैं रानी का लवर हूँ। गणेश ससुर जी, आप चिल्लाइए मत, मैं सब सेट कर दूंगा, मुझे बात करने दीजिए ना। मैं सब सेट कर रहा हूँ। यालो, हे शिट। थैंक यू बेवकूफ। वहां बैठकर बातें करते हैं। डोंट यू हैव मैनर्स? वहां रिजर्व का बोर्ड लगा दिखता नहीं है तुम्हें? बिल्कुल, तुम जैसे दूसरे लोगों का खाया हुआ स्वीट नहीं चाहिए, दूसरे लोगों की रिजर्व सीट भी नहीं चाहिए। मतलब दूसरा कोई प्यार कर रहा हो वो लड़की कैसे चाहिए? व्हाट मैनर्स? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? इज इट तेरी बेटी किसी कुंडे बदमाश से प्यार करती है और तुम ऐसी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओ, 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 ए भाई, थोड़ा लेवल में आके बात कर। अरे क्यों ऐसे आवाज छोड़ रहे हो? अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने वाले बहुत बड़े भगवान हैं वो, और तुम मेरे सामने आवाज बढ़ा रहे हो? इतना बड़ा मीटर है क्या तुम्हारा? ए, देख लिया, खा भी लिया, अब घर पर चले जाओ और चुपचाप तकिया पर सो जाओ। हाँ छोटा सेठ, एक बात बताता हूँ, सुन ले। हे, जा यहाँ से, मेरे बेटे के साथ बात करने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे कौन सा बड़ा डिफरेंस है यार, वो पढ़ा है बोर्डिंग स्कूल में और मैं पढ़ाऊँ गली के स्कूल में, वो खाता है पिज्जा बर्गर और मैं खाता हूँ वड़ा पाव, वो बात करता है दूसरी भाषा में और मैं बात करता हूँ शुद्ध हिंदी में। ए बेवकूफ, इनफ। किसी लोकल स्कूल में तेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। लिसन, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, लर्न इंग्लिश। हिंदी मीडियम वालों को आज कोई भी नहीं पूछता है, समझे? ए छोटा से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले तो सिर्फ बिल्डिंग ही बना सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में पढ़ने वाला देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अपने भेजे में घुसा ले। उस सूर्य की पावर तो कभी कम हो सकती है, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले की कद्र कभी कम नहीं होने वाली, वो हमेशा सर उठाकर ही चलेगा। लुक मिस्टर, छोड़ो बेटा, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एनी मोर हियर। रतन जी, लेट्स गो। रतन जी प्लीज, नो मोर टॉक्स, जाओ जाओ जाओ, गो। रतन जी, जाने दो। रतन जी, इन सब का कारण तू है। ससुर जी, शादी करने वाले पति के सामने उसकी पत्नी को मारना क्या नहीं चाहिए। देखो, मेरी बेटी को पालने की कैपेसिटी है तुम्हें? उसके कपड़े गहनों को तो छोड़ दो, तेरी छोटी मोटी कमाई से इसके दो टाइम का खाना खिलाने की औकात नहीं है तेरी। क्यों सर, आप भी फिल्मों के हीरोइनों के बाप की तरह बातें कर रहे हो? ये तो मामूली डायलॉग्स हैं। हमेशा पेट ही क्यों देखते हो सर? कभी पेट के थोड़ा सा ऊपर आकर हार्ट को देखिए, उसमें प्यार, विश्वास और चाहत, ऐसी हजारों फीलिंग्स भरी होती हैं। उसे थोड़ी वैल्यू दो सर। किसी अनजान आदमी के साथ आप अपनी बेटी की शादी करवाओगे तो वो मेरी तरह आपकी बेटी की रानी की तरह देखभाल कर सकता है क्या? मेरी बेटी की तरह ब्रेन वॉश तो मेरा नहीं कर सकते। एक बार मेरे घर में इनकम टैक्स का रेड हुआ था, करोड़ों रुपए चले गए। आई डोंट केयर, फिर से मैं उतना कमा सकता हूँ, ये आइडिया मेरे अंदर था। लेकिन इस बार पैसा नहीं, मेरी इज्जत गई है, उसे मैं कैसे कमाऊं? ये सोचते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यू डन अ मिस्टेक। इस चंदूलाल के प्रेस्टीज में हाथ डाला है तुमने। यू विल डेफिनेटली रीपे फॉर दिस। आप क्यों सर टेंशन ले रहे हो इतना? ऐसे लोगों को बुलाकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भगवान ने तकदीर में जो नहीं लिखा है, उस नाम को आप इन्विटेशन कार्ड में नहीं लिख सकते हैं। समझा कीजिए सर। चलता हूं, चलता हूं रानी। हा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 
सेठ वहां क्या देख रहा है? इधर देख, ऊपर। What's all this? हर क्लाइंट का अलग अलग लोकेशन फिक्स करता हूं, तेरे लिए यही परफेक्ट लोकेशन है। बोल, काम क्या है? सबक सिखाना है। सबक सिखाना है? तेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक सबक नहीं सीखा क्या? अरे बॉस, इसने नहीं सीखा है। सही कहा। तू अपना मुंह सबक सिखाने का डील भी नहीं हुआ है बॉस। मेरी छोटी बेटी, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। एक बदमाश उससे लव करके उसे उठाकर ले जाने का लेवल तक आ गया है। प्यार का मामला कॉस्टली होगा थोड़ा। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। देख, इस टॉकेज के ओनर ने मेरे को सुपारी दिया था एक का पैर काटने के लिए। जब मैंने उसका पैर तोड़ दिया तो मुझे बिना पैसे दिए वो कहीं भाग गया। इसलिए इस टॉकेज के ओनर का गला काट के ये टॉकेज मैंने अपना बना लिया। देख, डर रहा है क्या? थर थर कांप रहा है भाई। हाँ भाई, बताओ क्या करना है? मैं वैसा नहीं हूँ, आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा। हाँ दे दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस लड़के को जहाँ मारना चाहिए वहीं मार दिया तो आपकी बेटी रिवाइंड होकर आपके पास आ जाएगी, यही ना? वो काम तो मेरे लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मर्डर करने के ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी मुझे जेल भेज देगी। वो क्या कहते हैं, उसने जादू कर दिया है। मतलब इसके लिए वो प्लान सी करेक्ट होगा। करेक्ट। प्लान सी क्या मतलब? तुम उस लड़के के पास जाओ और बोल दो कि मैं शादी के लिए मान गया हूँ। ए बेवकूफ, क्या कह रहा है तू? प्लान सी का मतलब भरोसा दिलाकर उसका गला काटना। मतलब? कांटे को हमेशा कांटे से निकालना चाहिए भाई। वो दूसरा कांटा कहीं घुस गया तो तू मर जाएगा बे। हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में उंगली क्यों कर रहा है? चुपचाप खड़ा रहा है। ठीक है, ठीक है बॉस। देख, उसके घर जा और बोल दे कि शादी के लिए तैयार हो गया। उसके बाद? आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे घर आए, शादी के लिए राजी हो गए। और हमें क्या चाहिए? माता रानी की कृपा है। उनको लगेगा कि तू बहुत बड़े दिल वाला है और तेरे पे भरोसा करने लगेंगे। प्यार करना तो इन बच्चों का काम है और आशीर्वाद देना आप बड़े लोगों का काम है। तो फिर शादी के लिए आप दोनों राजी हो जाइए और बीन बजाने के लिए तैयार हो जाइए और ढोलक भी बजाइए। सेठ, दोनों फैमिली साथ में शादी का रीति रिवाज रखेंगे और जो भी कुछ होगा वो सब साथ में करेंगे। बोल कर देखो। ये लवर्स किसी को पता ना चले इसलिए भाग कर शादी कर लेते हैं, ये बात तो मुझे पता है। लेकिन लव कम अरेंज मैरिज में ये सब किस लिए? ऐसा उस लड़के ने तेरे से सवाल किया तो पॉइंट है भांजे, पॉइंट है। हाँ। आगे, मेरी भी फाइव स्टार होटल में शादी करवाने की इच्छा है। हाँ। हाँ। आप लोग तो जानते हैं ना हमारे दोस्त किस रेंज के हैं। उनको मैं क्या जवाब दूंगा? उन्हें मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। लेकिन शादी के मंडप में अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो गया तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? मैंने उसे राजकुमारी के जैसा पाला है, उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। अंकल अंकल, अपसेट मत हो जाइए, इमोशनल मत हो जाइए। आपने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, शादी कहाँ करवानी है बताइए, हम वहीं करेंगे। वो जंगल वाला बंगला खाली है क्या? जरा पूछ तो। वहां पर भूल भुलैया पार्ट 3 की शूटिंग चल रही है बॉस। भूल भुलैया पार्ट 3, वो भी अपने हीरो का। जाने दे, दूसरा बंगला कौन सा है? तालपुर का बंगला बॉस। ए कुटप्पा। हाँ भाई। तालपुर का बंगला खाली है, जरा पूछ तो। क्या मैं अभी पूछूं? एक दूंगा बस्तर एक। वहाँ एक सीरियल की शूटिंग चल रही है बॉस। सीरियल चल रहा है, क्या कर्म है भाई। जहाँ देखो भूत वाली फिल्म या फिर सीरियल की शूटिंग। हमें मर्डर करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है यार। मर्डर करना क्या इतना आसान है? अरे इस काम के लिए राज्य सरकार को हमें पुरस्कार देना चाहिए। यहाँ सीरियस बात चल रही है, तू हंस रहा है? अच्छा वो देखने में कैसा? वन मिनट। अरे रे 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 रे, ये कौन है भाई?
गोल्डन स्टार की तरह दिख रहा है, इतना सुंदर लड़का, मैं इसको कैसे मिलूंगा? बॉस 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 बॉस, आपने कहा है कि काम ही अपना भगवान है, अगर इसे मारकर हमने ऊपर नहीं पहुंचाया तो हमारा लॉस हो जाएगा बॉस। अभी कौन सा बंगला ढूंढू मैं? टेंशन मत लीजिए बॉस, उस गोल्डन स्टार गणेश को मारने के लिए एक बंगला मिल गया है बॉस। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। कौन सा है बेबो? आदि कालेश्वर पहाड़। कालेश्वर पहाड़ सेठ, तुम्हारी बेटी के साथ प्यार करने वाले को खत्म करने की मस्त जगह है वो। रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। लो। तुम भी लो। ये लो गन्ना। हे भगवान, सब सही करना, सब सही करना। पीछे हट, हट। राइट राइट। ठंड लग रही है, कितनी ठंड है, आप चुप रहिए। मामा, राइड ले लो। और कितनी दूर जाना है? उतरिए। अरे ये तो तिथि का ढाबा है, मैं नहीं आऊंगा बाबा। अरे मामा, अरे उसमें पेंट लगा है, ये अतिथि ढाबा है। हाँ। चलिए क्या अभी, लेकिन यहाँ तो एक भी ग्राहक नहीं है। हम है ना, चलिए अतिथि ढाबा। कहीं इडली वड़ा मांगेंगे और पता नहीं आटा लेकर ये आ जाए। अरे क्या हेलो, कोई है क्या? हेलो, हाँ अंदर हूँ, आ जाओ। अरे बाहर आओ ना, हमें बहुत भूख लगी है। अरे मैं ढाबा का ओनर हूँ, बाहर नहीं आ सकता। अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ मैं। आप यहाँ के ओनर हैं या फिर हॉरर हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैं मामा रुकी, ये इधर क्यों आ रहा है? हाय। ढाबे में रहना छोड़कर ऐसे डिब्बे के अंदर क्यों रहे? चपाती खाते समय कस्टमर की रोटी में मक्खी बैठ जाती है, इसीलिए मक्खियाँ मार रहा हूँ, इस शानदार स्प्रे से मार रहा हूँ। ऐसे करोगे तो मक्खी नहीं लाश बन के रह जाओगे। चलो बाहर आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। अरे भांजे, तुम इसको देख के डर गए? हाँ मैं इसको देखकर डर गया। अरे भाई, तुम लंबू नाम रख के इतने लोटे जितने क्यों? गणेश नाम होकर जब गणेश भगवान चूहे की सवारी कर सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, बताओ? ये बात तो ठीक है, वैसे भी कस्टमर भगवान होता है। बैठो, खाना खिलाता हूँ। डार्लिंग, कस्टमर आया है, जल्दी से रेडी करो। हेलो, वहाँ जाके बैठो। ठीक है। ज्यादा श्याणा लग रहा है ये तो। जल्दी आओ भाई।
पानी दो मामा। अरे ऐसे रखो ना। ओ और क्या क्या है होटल में? जो चाहिए सब मिलेगा। बोलो, नॉन वेज भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा। अच्छा। चाइनीज भी मिलेगा। मटन चॉप्स है क्या? मटन चॉप्स नहीं है, दही चावल है। हाँ, क्या कह रहा है ये देखो। हे, अरे एक बोटी भी नहीं है क्या? हाँ, बोटी नहीं है, रोटी है रोटी। हे, कैसा ढाबा है तेरा? कुछ भी बोलो, बोलता है नहीं है नहीं है, तब की चिल्ला रहा है मटन है मच्छी है। हाँ, क्या है तू आदमी? गिमिक है सर, गिमिक। ये चमक ये गिमिक है, बिना गिमिक के आज के टाइम पे बिजनेस नहीं हो सकता है सर। अरे पागल, तू नॉनवेज बनाएगा तो ही तेरा बिजनेस चलेगा। हाँ। यहाँ हाईवे से जाने वाले सभी लोग नॉनवेज को ही प्रेफर करते हैं, जानते हैं? हाईवे से जाने वाले यहाँ नहीं आते हैं सर, हाईवे रोड में जिनका एक्सीडेंट हो जाता है वही लोग यहाँ पर आते हैं। क्या मतलब है रे तेरा? मतलब भूत है सर यहाँ पर, भूत। जो लोग मर जाते हैं ना सर, उनकी आत्माएं यहाँ पर घूमती रहती हैं, चक्कर लगाती हैं। तू दिखने में गुड बॉय जैसा लगता है, तुझे बिस्किट का पैकेट समझकर कोई खा लेगा, समझा? संभल कर रहना। चुप रहो तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो? ए, बोतल है क्या? वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा, हाईवे से आगे जाकर छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक बार है, वहीं पर मिलेगा। चलो तुमने रास्ता बता दिया, खुद ही ढूंढ लेंगे। पापा आप जाकर कहीं 90 मारकर पलटी मार दोगे तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा? अरे मुझे क्यों ढूंढोगे, यहाँ से सीधा जंप करूँ तो बार, और वहाँ से एक पलटी मारूंगा तो सीधा यहाँ लोकेशन पर। तू भी चलेगा क्या? नहीं, मैंने ड्रिंक छोड़े हुए 2 महीने हो गए। आप भी ना पापा। अच्छा, गर्मा गर्म डोसा है लाऊं क्या? हाँ, जो कुछ भी फटाफट लेकर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है हमें। डाले चटनी डालो इसमें। भांजे मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? सो हाँ, क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। हाँ? मतलब हाथ धोने के लिए मग चाहिए। आप मांगे तो मग ही क्या, अपनी जिंदगी दे दूँ। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं नहीं। इस जंगल में उस बार को ढूंढते ढूंढते कहाँ जाओ? दूध देने की तरह अगर कोई प्राणी अल्कोहल भी देता तो कितना बढ़िया होता, बस एक पालो और रोज निकाल के पीते रहो, मजा आ जाता, कसम से। वाह, अरे अरे बोतल। मिडनाइट में ये तो मजा आ गया। वाह, विस्की विस्की, दारू दारू। अरे बाप रे, मिक्सचर भी है, अचार भी है चखने के साथ। ये तो शमशान है भाई। समाज में रहने वालों ने दारू चढ़ाया है ऐसा लगता है। नहीं 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 भाई, जो सोया है शायद वो मेरा फ्रेंड ही है। ये सही है। चीयर्स माय डियर दारू फ्रेंड, दिस इज फॉर यू। ये क्या गणिया, एक डोसा बनाने में कितना टाइम लगा रहे, देखो तो जरा। और तेरे पापा और प्रताप कहाँ चले गए? तेरे की फोन भी यहीं पर रखा हुआ है। अरे माँ। हाँ? मैं जाकर ढूंढ कर आता हूँ जरा। ए गणिया, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, जल्दी आना। हाँ, तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ वहाँ आऊंगा। तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे। मैंने तो सुना था कि लड़कियां बहुत फास्ट होती है, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा फास्ट निकली। यहाँ पर आकर बैठ गई अकेली। सब कुछ आपके लिए ही है। मेरे लिए? वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? गर्भिणी। गर्भिणी, ये कैसा नाम है? हाँ, हम ना 4 बहनें हैं, एक है हरिणी, दूसरी है धरणी, तीसरी भरणी
आगे मेरे माँ बाप को कोई नाम नहीं सूझा, इसलिए मेरा नाम गर्भिणी रख दिया। अगर ऐसा है तो मैं फिर आपसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं जाके लोगों से कहूंगा कि मुझे गर्भिणी से प्यार है, मुझे गर्भिणी से प्यार है, तो जानती है लोग क्या कहेंगे? कहेंगे क्या बल्कि मुझे जूते से मारेंगे। इतना ही करते हो प्यार? नहीं नहीं नहीं, आई लव यू। मी टू। अरे नहीं नहीं नहीं, मी टू मत कहना, मुझे सुनकर डर लगता है। थोड़ा धक्का मार दो ना। सिर्फ धक्का मारो। मारो। ए, इतनी रात को क्या ढूंढ रहा है? ठीक 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। ठीक 12 बजे ना, अभी तो 11:15 हो रहे हैं, 45 मिनट और बाकी हैं। और वैसे भी अगर भूत आ जाएंगे तो मैं हाय हेलो कह दूंगा उनसे। मजाक कर रहे हो क्या? यह हाईवे रोड नहीं है, भयंकर जंगल है। यहाँ शांति नहीं मिलने वाली, औरतों की आत्मा घूमती रहती है। तुम जैसे जवान लड़कों को मिलेगी तो वो भूत पकड़ लेगी। वो शांति ना मिलने वाली आत्मा नहीं, उल्टी ना करने वाली आत्मा मिलेगी तो ही वो लड़कों को पकड़ लेगी। अगर बुढ़िया आत्मा मिल जाए तो तुम तो एक नंबर के बूढ़े हो, सावधानी से रहना। या ए, कोई भूत चुड़ैल नहीं होती, निकलो यहाँ से। यहाँ पर ड्रिंक की दुकान कहाँ पर है? दारू की दुकान है, ये तुमसे किसने कहा? वो ढाबे में है ना, वो लंबू उसने। ढाबा? हाँ ढाबा। ढाबा ना। अरे ढाबा ढाबा ऐसा बार बार कह के दिमाग क्यों खा रहे हो? बार बार पूछ रहा है। नहीं नहीं, एक ही बार पूछा। आप जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा, चलो जाओ। ये क्या है भाई, अभी तक दूसरा तैयार नहीं हुआ क्या? लंबू भाई, लंबू भाई, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? लंबू भाई, भाई लंबू, भाई लंबू, लंबू भाई। अरे वाह, दिल को तसल्ली मिली। क्या गुरु, क्या नाम है तेरा? विस्की? अरे विस्की, नाम भी विस्की रख लिया तूने। रा कुछ ज्यादा ही हो गया, सोडा होता तो मजा आ जाता कसम से। और जोर से मारूं क्या? और धक्का मारता हूँ। अरे रे, ये झूला कहाँ चला गया? वो भी नहीं दिखाई दे रही। गर्भिणी, ये गर्भिणी नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। लंबू भाई, यही वो ढाबा है क्या? अरे यही तो ढाबा है, यहीं पर तो मैं अपनी माँ को छोड़ गया था। माँ, हंस क्या रहा है? माँ,
मेरे भांजे गाड़ी रोको, वहाँ पे भूत है, वहाँ पे भूत है, मेरा यकीन करो, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वहाँ पर भूत है बेटा, मामा ये वहाँ भूत है। मामा क्या कह रहे हो, मेरे कुत्ते क्या मेरी आंखों से, क्या कह रहे हो? गिरिया उस ढाबे में भूत है बेटा, तेरे पापा का दिखाई नहीं दे रहे। अरे मामा ये क्या बोल रही हो? पापा पापा अरे मुझे नहीं पता, गणेश पापा, गणेश पापा, क्या हो गया? अगर बोले आप गिर जाओगे, उड़िए जाइए, आप ठीक तो ना? ठीक है ना पापा, आपको लगे तो नहीं ना, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आदि कालेश्वर पहाड़ यही कहीं पर है। वो रहा जीजू, 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 जीजू उठो ना, जीजू उठो, उठो, जीजू, अब पीछे से कुछ साउंड आ रहा है, जीजू, को इतना खाएगा तो पीछे से ही साउंड आएगा ना भाई, जीजू, क्या बात, वो बात नहीं है जीजू, अब क्या भाग, भाग, चल, चल भाग, सोने दे मुझे आराम से, सोने दे, अरे 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 क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या चिल्ला रहे हो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जीजू भूत है यहाँ पे, क्या भूत है, क्या जीजू यहाँ पे भूत है, भूत सफेद कपड़े में, अरे क्या कह रही है सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अपना सफेद कपड़ा सुखा रहा था और आप डर गए, भूत सफेद कपड़े पहना हुआ था, अरे बिजली गई थी अभी आ गई। अरे अरे तुम सब कौन हो? मैडम मेरा नाम है छोटा पिंटू, मैं यहाँ का सारा काम संभालता हूँ, ये जो आखिरी बहन है उसका नाम है टकला, ये यहाँ पर मालिक का काम करता है, और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है इसका नाम है सोम कुमार, ये आपके पास मच्छरों को नहीं आने देगा, और ये जो महिला है इसका नाम है सविता आंटी, ये रसोई संभालती है, सीरियल इसकी कमजोरी है, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं छोड़ती है, और सीरियसली बस दो ही चीजों के बारे में सोचती है, एक सीरियल और दूसरी साड़ी। सही कह रही हो, आजकल इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं कि क्या कहूं, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम्हारे पैर सीधे हैं या उल्टे हैं, बस ये सीधे हैं, बच गया, मेरी जान बच गई। तुम लोग यहाँ काम करते हो ना, लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई नहीं था। हमारे बॉस ने हमें बुलाया है मैडम। कौन है वो बॉस? मालिक मालिक, तू आंखों में गिर गया मेरे। कौन है बेटू? टुकड़े टुकड़े करके पीस पीस चूहों को डालने वाला हूँ। मतलब? मतलब सब्जियों को पीस पीस करके उसको बढ़िया से मसाला डाल के बनाता हूँ मैं, चीपेस्ट कुक हूँ मैं। तेरा लुक देखकर तू कुक तो नहीं लगता है, बल्कि एक नंबर का चोर लगता है तू। खाना पकाने वाले के चेहरे पर भी एक चमक सी होती है। चेहरे में क्या रखा है, हाथ में कला होनी चाहिए। ये लीजिए सर, ये लीजिए आपके लिए।
चाय में जिंजर डालकर देते हैं, तू अपनी फिंगर क्यों डाल रहा है? ठंडी का मौसम है ना साहब, गर्म है कि नहीं वही चेक किया था। ए, गली के कचड़े, चल निकल यहाँ से। नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, मैं पी लेता हूँ। अरे मालिक आ गए, मालिक आ गए, पकड़िए पकड़िए, मैं देखता हूँ। What an amazing house, Dad. Thank you. You like it? Yeah, it's fantastic. I love it. Rest करो बेटी. Okay. Okay. ससुर जी, बंगला बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. जाना. चलो अपना रूम ढूंढ लेते हैं. हाँ. चलो. चलो चलो सामान ले आओ. सत्यानाश. चपा. नमस्ते मालिक. तुम कौन हो? पक्का पी के है तू? इधर देखो गुंडाना. अरे गुंडाना? या तुमने तो अपना पूरा भेष बदल लिया. मैंने उस दिन बोला था ना, जैसा लोकेशन वैसा गेटअप और सेटअप. अरे क्या लोकेशन ढूंढिया यार, तुम्हारी लोकेशन ढूंढने के लिए मेरे गूगल भी पागल हो गया. क्या सेठ जी, मैं क्या मर्डर सबके सामने करूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं. ऊपर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ नीचे क्या हुआ, समझ गया ना आप? ओ जाओ 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 जाओ. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जब जरूरत पड़ती है तो कुछ भी नहीं मिलता. ये कैसे आ गया? लगता है देवी माँ ने ये खुद हमें दिया है, वरना हम तो भूल ही गए थे. माँ देवी, हमारी रक्षा के लिए शुक्रिया. सब आ गए हैं ना? आप शुरू कीजिए. हमारे यहाँ शादी बड़े ही धूमधाम से होती है. आज माता की चौकी रखी है. शादी के पहले दिन भजन होना चाहिए ना. शादी के पहले दिन सुबह में शादी और शाम को म्यूजिक. खाना तो वाह 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 वाह. ढोकला, काजू कतरी, मिठाई, मालपुआ, फुलका, राजभोग, तीन दिन जम के खाना. वैसे तुम लोग के यहाँ ये सब कुछ नहीं होता क्या? वापस ले लीजिए अपनी बात को. आप जाने ही क्या हमारे शहर को? हमारे शहर की बात ही अलग है. मामा. हाँ जय. बता दो. आप जानते हैं हमारे यहाँ शादी के दिन लड़के वालों के यहाँ क्या फैसिलिटी होती है? शाम को बैचलर पार्टी से लेकर शादी के मंडप में जाने तक सारे रिश्तेदारों को एक रूम में बंद करके उन्हें दारू के बीच में रखा जाता है. लड़के वाले एक तरफ से होते हैं और लड़कियां वाली दूसरी तरफ से आती हैं, और सारे मिलकर एक साथ नैन मटक्का करते हैं और गाना बजाना चलता रहता है. क्या बताऊं मैं आपको. लड़के लड़कियों को लाइन मारते हैं और अंकल आंटियों को लाइन मारते हैं. ऐसा समा बन जाता है कि सारे लोग देख कर चौंक जाते हैं. शादी एक की होती है लेकिन सब एक साथ मिल जाते हैं. सुबह शादी, शाम को सुहागरात. एक हफ्ते के बाद रिश्तेदारों का घर में आना जाना. वाह वाह वाह. पता है, पता है आपको क्या होता है? मुर्गे के मटन का सालन और मुंडी. सोचो, नेक फ्राई, लीवर, कलेजा, बोटी, मटन फ्राई, चिकन फ्राई, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फेफड़ा, गुर्दा, 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 नहीं पता क्या गुर्दा क्या होता है? पता नहीं है, पता नहीं है. हमने तो कभी देखा भी नहीं है. बांजा है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता. सब हमको सिखाना पड़ेगा. अरे बाप रे, हम ही सिखाएंगे क्या लोगों को? अरे रे रे. देखो, सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं. सही कहा समझी जी आपने. बातों से ढिशुम ढिशुम क्या करना. सुमा, टन टना टन बेल बजा कर आगे का काम शुरू. हाँ, रानी ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, अब ये तुम्हारे लिए है, लो रख लो. देखो गुंडा भाई, तीन दिनों में उसकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए. उसकी चिंता छोड़ो, उसे मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार कैसे करना है ये सोचो आप. श्योर? बिल्कुल. ऐसे किसे देख रहे हैं आप? अरे वो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है, देखो ना वहां. भगवान. अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी. सेठ जी, उससे डेड बॉडी बनाने से पहले तेरी बेटी उसे डैडी तो नहीं बना देगी? ए बेवकूफ, तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ?
मार दो उसे। ससुर जी आपके मुंह पे थूक दूं क्या मैं? ए, तू खाना पकाने वाला है ना? तेरा खाना खा के पेट खराब हो गया है मेरा। तेरा बनाया हुआ खाना हमारे घर के कुत्ते भी छोड़ के चले जाते हैं और हमारे ससुर जी ने तो सर जी, उसे मारने से पहले सैंपल ने अगर इसको मार दिया तो? सही कहा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। ओ सुपर, जरा किनारे। अबे तू चुप कर, वहां देखो क्या हो रहा है। देखने दीजिए ना ससुर जी, देखते रहोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे होंगे। अरे वहां जा करके उन्हें अलग कर दो। जा रहा हूँ। ये क्या पागल है क्या? हॉस्पिटल में ले जाके इनका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हो क्या? ऐसा नहीं है भाई, वो लोग अपने हिसाब से ही ट्रीटमेंट करते हैं। हॉस्पिटल की तरह तो वो लोग मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये इस गांव का भला करने के लिए आए हैं और यहाँ देखिए ये सब क्या कर रहे हैं। उस बंगले में रहने वाली आत्मा न जाने कितने लोगों की बलि लेगी। अरे इस दुनिया में सिर्फ रात को दो ही लोग हैं जो नहीं सोते, एक तो जंगल का चमगादड़ और दूसरी प्यार में पड़ी हुई लड़की। ये लड़कियों का तो काम ही है बस लड़कों की नींद ही हराम कर दें। दीदी दीदी, फोन आया आपके लिए, ये लो ये लो ले लो। सुनिए सुनिए। ये क्या है? फोन किसका है? गन्या के लिए। ये लो बेटा फोन है। हेलो गणेश, क्या कर रहे हो? पहाड़ पर सोया हूँ। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। एक हफ्ते से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही, सारे बदन में दर्द हो रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा, ऐसा क्यों? जल्दी से चेक करवा लो, डेंगू हुआ होगा। हमेशा ऐसे ही मजाक करते रहोगे क्या? ठीक है, अब मेरी फेवरेट शर्ट पहनकर, परफ्यूम लगाकर सीधे टेरेस पर आ जाओ। तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगी। जो भी देना है मुझे दे दो बेटी। अंकल वो अभी सोया है, मैं उसे बाद में दे दूंगा। नहीं अंकल नहीं, मैं दे दूंगी। ओके अंकल, गुड नाइट। ओके बेटी, गुड नाइट। Oh!
बाप रे, अरे हड्डी टूट गई, अरे हालत खराब हो गई। Who is this beggar? किसने अंदर आने दिया से? अरे कोई है क्या? अरे मुझे पहचान नहीं रहे हैं आप? मैं आपका दामाद हूँ ससुर जी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ससुर जी आपकी तीसरी बेटी भी है क्या? उससे इस भिखारी की शादी करवाई और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे रे 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 रे, ये दामाद तो मेहनत से कमाने की सोच रहा है, दूसरा वाला है कि आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, ये दामाद तो रोड रोड पे भीख मांगता रहता है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ससुर जी मैं हूँ मानिक चंद। मानिक, मानिक ये क्या हाल बना रखा है? सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए गया था, अंधेरे में मैंने कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया, सॉरी बोल के आगे बढ़ा तो मैंने देखा पूरा कुत्तों का गैंग ही आ गया। इस ग्रुप में आने के लिए कुत्तों को इस मैटर का कैसे पता चला? अरे मामा ग्रुप में मैसेज किया होगा। उसके बाद क्या? एक्सरसाइज करने के लिए जैसे ही मैं झुका, ये मिस्टेक की ना आपने, ये तो कार्तिक महीना है, तो फिर कुत्ते के सामने आप क्यों झुके? इंजेक्शन लगा लेना, वो भी नाभि के पास। 14 गणेश वहां रानी, जल्दी आ जा जल्दी। हे भगवान वहां दिख रानी। क्या हुआ बेटी? कल रात को गणेश से मिलने के लिए रूम के पास गई थी तब अगर तुम गणेश को मिलने के लिए उसके रूम के पास गई थी तो फिर उस कुएं के पास कैसे कैसे पहुंच गई? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मुझे सब याद आ गया, मैं आपको सबको बताता हूँ। जब हम लोग इस घर में आए थे तब हमारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, और यही इफेक्ट अब वापस तुम लोगों के साथ हो रहा है। कन्फर्म। ऐसा क्या हुआ था? वो क्या हुआ था वो मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने गणेश से वादा किया इसलिए। दामाद जी। अरे अंकल आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? आखिर हम लोग यहाँ पर आए किस लिए हैं? शादी करने के लिए। हाँ हम यहाँ पर शुभ कार्य के लिए आए हैं, तो ऐसी अपशगुन वाली बातें किस लिए? अरे इसके लिए टेंशन क्या लेते हैं संदीप जी, एक फुल बॉटल, 2 किलो चिकन, 2 नींबू उस कुएं के पास रख करके भाग करके चले आएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बस हो गया। पीछे मुड़कर देखने तक आप खत्म कर देंगे ना पापा? पापा टाइम मिलेगा तो सिटिंग के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है बच्ची डर गई है, क्या हुआ इससे पूछ लो जरा। कुछ भी नहीं हुआ है, देवी माँ का कुमकुम लगाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तुम आराम करो, हम चलते हैं, चलो यहाँ से। अरे बेवकूफ नालायक, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? बेवकूफ क्या चल रहा है यहाँ? भूत रहने वाले घर में हम सबको क्यों लाकर रखा है? टेंशन मत लीजिए सर, इस घर के सारे भूत हमारे बॉस की बातें मानते हैं सर। वो तुम्हारे बॉस की आइटम है क्या? सर जी यहाँ जितने भी भूत है सब मेरे बनाए हुए हैं, मैं जैसा बोलता हूँ नाचते हैं, जैसा बोलता हूँ डराते हैं, मेरे इशारे पे ही काम करते हैं, सब मेरी सेटिंग है, सालों से कर रखा है सर जी। आज के जमाने में लोग भूत प्रेत पर यकीन करेंगे क्या? श्रीमता मघा मगता मता मघा श्रीमी। What is asking about? I can understand. He is asking about spirit box. Another box? स्वामी वाली बात सुनिए। उस box के चक्कर में आप बंगले में घुस के अपने आप को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? आज के बाद उस बंगले में वैसा कुछ भी नहीं होगा। ओम एम रीम किम चामुंडाय विचे। 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 उस आत्मा को बंदी बनाते समय मुझे खून निकल आया और मैं बेहोश हो गया, पर वो बंदी बन चुकी है। तो आत्मा कहाँ है? वो इस पेटी के अंदर है। ठीक 12 बजे हॉरर इफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हम पे भरोसा नहीं करेगा। अरे तू क्या दांत दिखा रही है, किसी टूथपेस्ट का ऐड कर रही है क्या? अरे अपने दांत काले कर लेना। तू क्या अपने बाल संवार रही है, भूल गई क्या भूत है? अरे इसे बिखरा दे ऐसे, इसे देख ये अकेली परफेक्ट भूत नहीं लग रही है। आई लाइक दिस डेविल। बॉस बॉस साउंड लाइट सब कुछ तैयार है ना? बॉस सब रेडी है, बॉस एवरीथिंग इज रेडी। मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, तुम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है भाई। ठीक है बॉस। हाँ बॉस अब परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं बॉस। आज मैं उसे बता दूंगा कि मौत क्या होती है। सच में? अरे बाप रे, अरे ऐसा है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी कहानी तो खत्म।
अगर ऐसी बात तुम अचानक बताओगे तो हमारी धड़कन तो रुक ही जाएगी ना। अरे क्या हुआ जी? तू चुप कर, एक तो वैसे ही बहुत टेंशन है। हाँ, टेंशन? ए, छोड़ सब, क्या हो गया? अपना कर्म है ये तो। अरे बोलिए ना क्या हुआ? अपने तकदीर में इतना ही है, यही सोच कर चुप रहने का, ठीक है ना? सुनिए बताइए तो, अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? अरे माँ खेलो ना, बैठ जाओ। अरे टेंशन मत लो माँ, बैठ जाओ। नहीं गणेश वो देखो, बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। नहीं बेटा, इनकी कहानी खत्म हो गई ऐसे कह रहे हैं। आज वाइन शॉप बंद है ना, इसलिए पापा का दिल ज्यादा ही धड़क रहा है। मतलब इसलिए ये क्या हो गया बेटा, हमारी किस्मत में इतना ही था क्या? माँ उन्होंने फुल बॉटल मांगी होगी और उसने दी होगी क्वार्टर, इसलिए उनकी इतनी सारी फीलिंग्स बाहर निकल रही है। तुम खेलो ना माँ, अपने पति को तुम अच्छी तरह से जानते भी नहीं। चलो खेलो। अभी नहीं, क्या हो गया? क्या हुआ जी, ऐसे क्यों हंस रहे, देखो तो। माँ एक बात ध्यान से सुन लो, इन बेवड़ों को रात का दरवाजा ना खोलो तो बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, मगर बाहर का दरवाजा ओपन ना करो तो बहुत फील करते हैं। हाँ सुपर सुपर। अच्छा माँ मैं आता हूँ, एक मिनट। आ रहा है, आ गया। तू मेरे से क्या मजे ले रहा है पागल, कहीं क्या मर्द, कहीं मर्द को किस लेता है क्या, पागल हो गया क्या? भगवान सबसे दिमाग खराब कर दिया इसने तो मेरा। मजा आ गया, मजा आ गया, कितनी बढ़िया दारू मिली है, इससे बढ़कर और भला क्या खुशी हो सकती है। रानी, 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 दामाजी मेरी बेटी मेरी जैसी है, वो सीटी मारने से नहीं उठेगी, ये पत्थर लो, पत्थर से मारो वो उठ जाएगी। ससुर जी आप मुझे देखिए दवाची, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना चाहते हो तो तुम ना बालकनी में जाओ, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए ना अंकल? हाँ, एक सुंदर सी लड़की का बाप बहुत खड़ूस होता है, ये बात झूठ है, ये आपने साबित कर दिया अंकल। थैंक यू अंकल, इस उम्र में आप बालकनी का आइडिया दे रहे हो तो
इसका मतलब आप जवानी में मजबूत क्या दमाजी आप भी। अच्छा कितनी दीवारें कूदे बताइए। नहीं दमाजी, हमारे जमाने में लड़की मंडप में बैठने तक हम लड़की का चेहरा तक नहीं देखते थे। अंकल आपने वैसे भी बालकनी का आइडिया तो दे दिया, आप रानी को उठाकर वहां पर भेज दीजिए ना, मैं वहां उसका इंतजार करता हूँ। थोड़ी दुख सुख की बातें करनी है उससे। दामाद जी, शादी होने के बाद आप जितना कुछ भी कहो मुसीबत तो आपके पास आ ही जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, अभी ज्यादा लेट हो गया है, अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। ओके अंकल, ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स। आपको शुगर है ना, इसलिए शुगर ड्रीम्स आप मत लीजिए। तुम भी मजाक कर रहे हो। ओनली ड्रीम्स, ड्रीम्स। ये क्या पागलपन है रे, अपनी बेटी का फोन लेकर उसे बुलाता है फिर उसे वापस अंदर बुला रहा है। हाँ सेठ की ऐसी की तैसी। हाँ सेठ। हाँ बोलो। क्या सेठ, मैंने आइडिया लगाकर उसे बाहर बुलाया था और तुमने उसे वापस अंदर भेज दिया, अभी उसे कैसे मारूंगा मैं? मुझे क्या पता। ए ज्यादा बात मत कर, पहले उसे बाहर भेज। इडियट। दामाद जी खाना हो गया क्या? हाँ हाँ खा लिया अंकल। खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए? नहीं मैं हाथ धो के ही सोता हूँ। ऐसी बात नहीं है दामाद जी, खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, यू विल बी वेरी हेल्दी। हाँ ओके, मुझे अभी वॉक करना है ना। हाँ हाँ ओके ओके। इसने बड़ी एक्सरसाइज करके सिक्स पैक्स बनाया जो मुझे सिखा रहा है। तू क्या ब्यूटी कंपटीशन में जा रही है? भूत बनी है तू। तू उसके सामने जाए तो उसकी पैंट गीली होनी चाहिए, समझ गई? चल 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 चल। ठीक है ठीक है। हेलो, फ्लिकर फ्लिकर लाइट, फ्लिकर लाइट 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 लाइट। कौन हो तुम? ओए, कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? क्या है पापा? ए गणेश, प्रताप को कहीं देखा क्या? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। आप प्रताप को ढूंढ रहे हो या फिर उसके हाथ में जो बोतल है उसे ढूंढ रहे हो? सही कह रहा है, उसके हाथ में बोतल थी क्या? अब जाइए, ऐसे नाक सुन सुन के जाइए, मिल जाएगा। खोल खोल आराम से आराम से। दरवाजा जल्दी नहीं खोल सकते थे क्या? बंद कर दो। तुझे वहां रहने के लिए बोला था, यहां क्यों आ गई? तो मैं क्या कर सकती थी? अब ये क्या कह रही है, मेरे आने के बाद एक भी डेड बॉडी नहीं गिरी है यहाँ पे तेरी तो। अरे ये हमारा लीडिंग बिजनेस है, एक भी टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। गाइस हमें बॉस के लिए टारगेट अचीव करना ही होगा। चल दे फट्टे। बॉस स्केच बनाओ, इस बार मैं जाऊंगा। सुपर एक्सप्रेशन। चा 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 ये फुल बोतल जीजा के लिए, दिल खोल कर पीने दे उनको, तू कुछ मत करना।
आज मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा इसमें से, सब जीजा को दे दूंगा। बॉक्स में कुछ तो है, आज नहीं तो कल उस बॉक्स में क्या है ये तो मैं जान ही जाऊंगा कैसे भी करके। कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चल बहुत हो गया। इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। उस दिन रानी के साथ, आज प्रताप के साथ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे उन लोगों को बिना बताए यहाँ से चले जाते हैं। चलो चलो, चलो। गन्या, सबसे पहले हम इस घर से बाहर निकलते हैं। इस घर में भूत है बेटा। अरे माँ, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब बकवास ही है। अरे नहीं, बकवास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। दीदी की कसम, अरे मेरे जीजा की कसम, अरे मैं तेरी भी कसम खाता हूँ, यहाँ पे भूत है। अच्छा तो चलो दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरे को दिखाने के लिए बोलता है, वो अंदर पता नहीं बंदर है कि चिंपाजी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं नहीं दिखाना। अगर सच में भूत हमारे सामने आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बोल? पलटी मार कर लात मारो पापा, 200 फिल्मों में स्टंट मास्टर का काम किया आपने। वो सब एक्टर लोग हैं, फाइटर लोग हैं, सब झूठ में मारते हैं। डिशुम डिशुम, वो सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है बेटा, मगर ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल भूत आ गया तो क्या करेंगे बताओ? पापा, आप ओरिजिनल भूत को तो नहीं मार सकते, लेकिन भूत की तरह एक्ट करने वाले को तो मार ही सकते हो। इसके पीछे कौन है और किसका हाथ है ये जानना जरूरी है। जब जान जाना तो मुझे भी बता देना, उसे पकड़कर मैं ऐसा मारूंगा कि चेहरा भी आईने में नहीं दिख पाएगा। पापा, अगर आप उसे ऐसे ही मारोगे तो खून निकल जाएगा, सोचिए क्या होगा। तो फिर निकलने दो, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बहुत गलत है। पापा एक काम करो, वहाँ फैन के नीचे बैठ जाओ और ठंडे हो जाओ। शे, एक सिनेमा का डायलॉग भी नहीं मारने देता ये, हर बात पे काउंटर देता है ये काउंटर। भाई तुझे तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये देखो तो जरा। अरे भांजे, ये क्या कॉमेडी चल रही है क्या? क्या भाई, जब से तुम आए हो मैं सोच रहा था कुछ बड़ा करोगे, लेकिन अब तक तुमने कुछ किया ही नहीं। सेठ जी, मेरी आंखों में देखिए, 3 दिन हो गए सोए हुए। ओ, 3 दिन बैठकर नींद खराब करके 3 स्केच बनाए हैं मैंने। इस बार का जो स्केच है वो तो पक्का सक्सेस है। अच्छा, क्या क्या बना रहे हो? चिकन मटन? मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेठ के घर में कोई फंक्शन हो तो खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, मैं यही बोल रहा था। तुम्हें ठीक से मैगी बनाने नहीं आती तो तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? तुझे ऊपर भेजने के बाद ही मैगी खाऊंगा। तुमको देखती है ऐसा लग रहा है कि तुम 100 रुपए के लिए किसी का खून भी करने में पीछे नहीं हटोगे। इससे पता चल गया क्या? हमेशा वो रिएक्शन देता था, लेकिन अभी आप क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? हाँ, मैरिज शेड्यूल के आधार पर आज का क्या प्रोग्राम है मैं बताता हूँ। आज गाना बजाना, कल खाना खजाना। Am I right, ससुर जी? ये क्या ससुर जी, आपका चेहरा तो ऐसा बन गया कि जैसे इलास्टिक निकल चुका हो। सेठ को शादी की टेंशन है। ओ, शादी का टेंशन है। कोई टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले से ही सारा काम शुरू करवा दिया है।
सॉन्ग, डांस, बिंदास। मर गया ये तो। बॉम्ब रखा होगा, जाकर चेक कर इसे। जीजू आप ही जाओ ना। जाना तुम ही जाओ ना जीजू। जा, बोल रहा हूँ। आप फाइट मास्टर हैं? मास्टर हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ जा। जीजू डर लग रहा है। जाना जा, जा। ए, सावधानी से। ए, जीजू हाँ? इसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन फॉरेन का माल मिला। दारू मैंने। ये लो। अरे नहीं, मैं दूंगा। मैं उसे आलू का चिप्स दूंगा, छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अंडा पाव खिला दूंगा, छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है, 50-50 50-50 नहीं चलेगा। 50-50 तो नहीं चलेगा। हाँ, 30-60 ओके, 60-60 डन। कितने लकी है। धुआं 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 धुआं। ए, वो आ रहा है। टीम भी एंटर हो गया है वो। Ah!
बेवकूफ। ए, एक लाफा दूंगा बस ना, किसे बोल रहा बेवकूफ? ए, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी सेठ। मैंने उसे मारने के लिए बोला तो तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। मैंने क्या किया सेठ जी? ए, उस बच्चे को भेजकर मुझे डरा रहे हो? कौन बच्चा? कपाट में से भागा हुआ बच्चा, वो कौन है? मेरी कंपनी में कोई चार्ज आर्टिस्ट नहीं है। ए, जरा ठीक से देखो। सेठ जी कहीं कोई कंफ्यूजन हो गया है? आप आराम से सो जाओ, सुबह तक एक सुपर न्यूज देता हूं मैं। कौन होगा वो चाइल्ड आर्टिस्ट? आप दोनों के पास कोई टाइम टेबल नहीं है क्या? जब चाहिए तब शुरू हो जाते हो। वैसे ये कहां से मिली? वो फॉरनर आया था, उसे चोर समझकर एक पंच दिया मैंने, बेचारा वहीं पे गिर गया। उसके पास ये था तो ले लिया मैंने। फॉरनर क्यों आया था यहाँ पर? हेलो, कैसे कमीने लोगो तुम, अभी से लाइट ब्लिंक कर रहे हो, जब मैं बोलता हूँ तब नहीं करते। और जोर से करो। ये जो जा रही है, ये पिंकी है कि पंकजा है? इस पागल को उधर जाने के लिए किसने कहा था? बॉस! अरे पागल, मुझे डरा दिया तूने। हे भगवान, अरे तू यहाँ से क्यों आ रही है? मैं किसने बोला था? आ रही थी बॉस। मुझे ढूंढते हुए क्यों आ रही है? तो फिर जो उधर गई वो कौन थी? अरे भगवान, फुल कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को लेकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या चक्कर क्या है? वो इस तरफ ही आ रहा है। रुक। सुन, मैं उस रूम में रहता हूँ, तू कुछ भी करके उस रूम में लेके आना उसे, मैं उसे मार दूंगा, ठीक है? कार बैटरी चार्जिंग में है, यहाँ क्यों आई है? ए, कमीनो, जब मैं कहता हूँ तो ऑन ऑफ नहीं करते हो, हैं? अभी कर रहे हो? ए, कहाँ हो तुम लोग? रुको भाई। ए, तेरे पति को बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे ले जा तू। हाँ? चल जा, जा, जा यहाँ से, जा। क्यों आंटे, उस तरफ मुड़कर क्यों खड़ी हो गई? अरे बाप रे, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। जरा अपना फेस दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि कैसी दिखती हो। ये एक्टिंग गांधीनगर में जाकर करना, अच्छे पैसे मिलेंगे वहां पर। अरे तेरी तो। ए, कौन कौन है यहाँ पर और क्यों ये सब कर रही हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ बताओ? हाँ?
अरे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो तुम आटा पीसने वाली मशीन की तरह गर्र आवाज कर रही हो, जरा इधर मुड़ो तो। उसे बीच में आने के लिए किसने कहा था? मिस हो गया ना? किसने दरवाजा बंद किया है? फरारी कार बहुत तेज चल रही है। इस चाइल्ड आर्टिस्ट को गाड़ी ही नहीं दिया, बताता हूं इसे। ए चाइल्ड आर्टिस्ट, ए ए, तूने जाके सेठ जी को क्यों डराया? वो अपना आदमी है बे। खैर छोड़ो, तुम पिंकी के बेटे हो या पंकजा के बेटे हो? ए तेरी माँ कहाँ है? वहां दिखा रहा है ये तो। वहां ऊपर बैठ के क्या कर रही है तू? है मैंने उसे डराने के लिए कहा तो तू डर के ऊपर जाकर बैठ गई। ए थोड़ा कोऑपरेट किया होता तो आज उसे मार देता मैं। ए आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलने वाला, चल भाग। ये देखो ओवर एक्टिंग कर रही है करके। ऐसे आवाज क्यों कर रही है? ये तो आवाज बहुत गड़बड़ वाली लग रही है मुझे। अरे ये फरारी बार बार ऐसे क्यों आ जा रही है? फरारी, अरे तू ऐसे क्यों कर रही है? पेमेंट बराबर दूंगा ना मैं तुझे। अरे बाप रे, खून निकल गया मुझे तो। क्या कर रही है तू? अरे मैजिक सीख करके मुझे मार रही है तू? कहाँ तू? मुझे क्यों मार? अरे दिख नहीं रही है, किधर है तू? किधर? अरे मुझे क्यों मार रही है? अरे तुझे उसे डराने के लिए कहा था, तू मुझे डरवा रही है? अरे ये सारे बुक स्टैंड को क्यों हिला रही है तू? अरे ये क्या कर रही है? नीचे उतारो, मर जाऊंगा। अरे अरे ये सब कहां से सीख कर आई है तू? मर जाऊंगा। क्या कर रही है तू? इस घर में सच में भूत है। अरे भागो यहाँ से। ये किसका पैर है? पागल आ गया, अब क्या पूछेगा क्या मालूम। hey, मुझे पता था। मैंने क्या कहा था तुझसे? गरम गरम लाल मिर्च की अच्छे से चटनी बना के लाने को कहा था ना? लेकिन तू यहाँ पे अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके घूम रहा है और चटनी को अपने चेहरे पे लगा के घूम रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? ये लाल चटनी है। लाल चटनी। अगर तू ऐसे ही काम करता रहा तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा, भगा दूंगा। ए जी, इससे क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए ना, पास बात में दे रहा। तू शांत रह, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ूंगा इससे। बैठिए जाकर उससे मिलने। क्या कहा तूने? आपने गेट पास तो दे दिया, मेरे पास जाने के लिए बस के पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तेल का डब्बा कहाँ है? किचन में है क्या? वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है। सब शिफ्ट कर दिया है मैंने। अच्छा, तू हट। ए तू आ जा। देख देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ। मुझे तो स्पाइक बना दिया, उसका हेयर स्टाइल पता नहीं क्या बनाएगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी को जो दो ना दो। Go!
कुछ नहीं कुछ नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत। हाँ चलो आओ, चलो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे साथ, तुम आराम से रहो, ओके आराम से रहो, चलो चलते हैं, कम। ये क्या उतार बना कर रखा है अपना, ये क्या चेहरे पर टोमेटो सॉस लगाया क्या? कसम से कह रहा हूँ टमाटर की चटनी नहीं, ओरिजिनल ब्लड है ये, इस घर में भूत है ये, उसी का इफेक्ट है, देख रहे हैं आप, पता नहीं कहाँ से आ जाएगी, भागो यहाँ से। इस घर में जो भूत है ना वो ब्रांडेड भूत नहीं है, सब ड्यूप्लीकेट भूत है। कोई कमीना हमारे साथ खेल रहा है, अगर वो मेरे हाथ आ गया ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा और फिर डकार तक नहीं लूंगा। सुन लिया ना? ये मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया, छोड़ो टूट जाएगा। ये क्या है बॉस? सुनिए आप यहाँ क्या कर रहे हो बॉस? वो सीता बोल रही है कि मैं भूत का गेटअप नहीं डालूंगी। मैंने पूछा ही क्यों आपसे, वो बोल रही है कि उसकी डेट्स खत्म हो चुकी हैं, उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा तभी वो काम करेगी। ऐसे कैसे काम चलेगा बॉस, ऐसे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। एक्स्ट्रा 3,000 पेमेंट देंगे, बोल दे चल। सिर्फ आने जाने के लिए 3,000 रुपए, और हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए सिर्फ 300 रुपए? ए तू कौन है, हिसाब का कच्चा? चल भाई यहाँ से, बॉस भागो। भाई कसम के खा के बोल रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता, वो भूत की पिक्चर देखकर भूत की एक्टिंग कर रहा है, पागल हो गया है वो, जो करना है उसका करो, मुझे छोड़ दो भाई, छोड़ दो मुझे प्लीज। उसकी बातें सुनकर मुझे कंफर्म नहीं हुआ था, मगर तेरी एक्टिंग देखकर मुझे पता चल चुका है कि इन सब का कारण तेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? भाई ऐसा क्या? क्यों कर रहा है? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौन है? तो आपकी बेटी भी हो जाएगी। ससुर जी बार भूत है, बार भूत है ससुर जी। तुम्हारे रूम में आया था क्या? मैं उसे फोन कर देता हूँ, कभी नहीं आएगा। वो कोई टैक्सी वाला है क्या? आप फोन करोगे तो वो नहीं आएगा, फोन करोगे तो आ जाएगा। अबे गधे कहीं के वो भूत है। अरे कौन है, कोई है क्या? कोई है? हाँ कौन है? मुझे तो नहीं मिला, तुम लोगों को? अरे कहाँ गया गणेश, लगता है भाग गया वो। अरे तुम सब यहाँ पर हो, मुझे खाना बनाकर बहुत देर हो गई, वो खाना बनाने वाला तो आज भी नहीं आया। ए, वो मुझे मारने आया है तो फिर किचन में भला क्या कर सकता है? क्या कहा? ए, मारने के लिए? अरे वही है इन सब का कारण। नहीं नहीं भाई नहीं। अरे जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं? ए गणेश ये क्या सच कह रहे हैं क्या? किसका फोन रिंग हो रहा है? चल इधर, तू यहाँ पे छुपा था, मार मारो इसको, बांधो बांधो। तेरी तो फोन बजने पर पता चला कि तू यहाँ छुपा है, रुक किसका फोन है बता। आप इसको मारो, उधर मैं देखता हूँ किसका फोन है। ए बवकूफ, जब भी देखो उस भूत को तुम मेरे कमरे में भेजते हो। मैंने तुम्हें सुपारी दी है उस गणेश को मारने के लिए। रे बाप रे। तुम कुछ भी करो, कल तक वो खत्म हो जाना चाहिए। सुनो, आई एम नॉट बॉदर्ड, शादी वादी कुछ भी नहीं, फोन रख। माँ रानी को संभालो। माँ रानी, रानी रुक जाओ बेटा, रानी। ये क्या है गणेश बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे पहले से उन पर डाउट तो था ही। अरे नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे। नागबली को मार मार कर फ्रेंड्स को बचाने वाले विष्णु दादा के फैंस हैं हम लोग। हाँ जानता नहीं क्या, और तू बोलता है कि तूने भूत को देखा है, तेरी तो बताता हूँ। से बाहर ले जाकर जितना चाहो मारो, लेकिन यहाँ से बाहर ले जाओ, यहाँ पे भूत है। सही में सिनेमा वाले को तू कहानी सुनाएगा, झूठ बोलेगा, हमसे झूठ बोलेगा। चल नोटिस, तेरा बोल खुल गया, जा यहाँ से, चल निकल। है प्रताप तू इसे संभाल, मैं उस बच्चे को देखता हूँ। ठीक है जी, ये ले ये ले। ए छोटू कहाँ है तू, बाहर आ जा। तू अच्छा बच्चा है ना, तो बाहर आएगा तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम दूंगा, पिज्जा दूंगा, बर्गर दूंगा, नई शर्ट चड्ढी, खेलने के लिए बैट सब दिलवा दूंगा। तू बाहर नहीं आएगा ना तो तेरा मुंडन करवा दूंगा। कौन था ये? हे भगवान, बैट दिलवाने को कहा तो मुझे बैट मार रहा है। मेरी पीठ को क्या फ्लाईओवर समझ के चल रहा है? ऐसे चलेगा तो क्या होगा? किधर गया, किधर गया, कौन था, किधर हो, किधर हो? क्या हो रहा है ये सब? ससुर जी सब कुछ पता चल गया, आपका सारा ड्रामा पता चल गया है मुझे। ससुर जी आप दिखने में आगे से टेडी बेयर की तरह लगते हो, मगर आपके दिल में सिर्फ जहर ही भरा हुआ है। ससुर जी एक बात याद रखना, धोखा देने वाले को वो भगवान संपत्ति जायदाद ऐश्वर्य लोगों का सपोर्ट सब कुछ देता है, हम जैसे ईमानदारी से रहने वालों को वो कुछ भी नहीं देते हैं। बदले में वही साथ में रहकर हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। यहां भी वही हुआ है, यहां पर भी वही हुआ है। आपको जो धोखा मिला है ना वो बिल्कुल सही हुआ है आपके साथ, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ प्यार और चाहत है, मुझे बचा लिया। अब जरा देखिए ना खुद को कैसे बैठे हैं, देखिए लकवा मार कर किस तरह से आप बैठे हुए हो, जरा देखिए अपने आप को। कबोर्ड की तरफ आप मुझे क्या दिखा रहे हो? ओ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अपने पैसे आप ही रखिए ससुर जी, मैं पैसे को वैल्यू देने वालों में से नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्यार को ही वैल्यू देता हूं। आपका ये पैसा अपने पास ही रख लो। ए, क्या हुआ गणेश? डरपोक निकलो यहां से। अरे किसे डरा रहे हो ऐसे भूत भूत बोलकर? गणेश गणेश ससुर जी ऐसे डरपोक के साथ अपनी बेटी की आप शादी करवाते हो, और मुझ जैसे ईमानदार के लिए आप सुपारी देते हो। रानी को मैं कितना प्यार करता हूं जानते हो? आपको तो पता ही है। ये देखिए सीने पर भी मैंने रानी नाम लिखा है,
उसे मैं अपने दिल से चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन आपको कैसे समझाऊं कि रानी मेरी जान है। उसके सिवा मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही उसके सिवा मेरी दूसरी कोई चाहत है। आप नहीं समझेंगे ससुर जी। ये कहाँ चले गए? कर रहे थे, लेकिन आप कहाँ चले गए? अरे ओए आंटी, कौन हो तुम? भागो, कैसे लोग हो तुम लोग? नकली भूत यहाँ रखकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे अम्मा जी, इस घर में सच में भूत है। अरे जाइए जाइए, अपने बेटे को बचाइए, जाइए जल्दी जाइए। गणेश, गणेश। सभी लड़कियां अपने चेहरे पर लिपस्टिक, काजल और पाउडर लगाकर घूमती रहती हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसे गंदा चेहरा लेकर बैठी हो? गणेश, गणेश। अरे बाप रे, ये क्या, तुम्हारे दांत तो पूरी तरह काले काले हैं। ए, चल अब उतर नीचे, बहुत हो गया, अपना हिस्सा लेकर चुपचाप निकल जा, तेरा पति बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, चल नीचे उतर। गणेश, 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 कम आउट। क्या माँ? जल्दी बाहर, जल्दी बाहर आ जाओ बेटा, वहाँ असली भूत है, बाहर आओ, बाहर आओ गणेश, जल्दी। अरे गणेश, आजा खेलेंगे, आजा खेलेंगे जीजा, आजा जीजा, खेलेंगे जीजा, खेलेंगे आजा खेलेंगे। हेलो जीजा, आजा खेलेंगे, आजा खेलेंगे, मस्त खेलेंगे। ए जीजा, तुम तो यहाँ पर ऐसे बैठे हो जैसे कि बूट पॉलिश की दुकान खोल रखी हो, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो। अंकल, ये कार मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है? मुझे कार पसंद नहीं है, मुझे बार पसंद है। अब यही सब बकवास करना बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो, चलो। अंकल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अंकल अंकल बोलकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं बता रहा हूँ, बच्चे के जैसे खिलौना लेकर बैठे हो, उठो, उठते हो कि नहीं? क्या अंकल, आप वहाँ जाकर बैठ गए, मैं वहाँ कैसे आऊंगा? आप नीचे आइए ना अंकल, आ जाओ ना अंकल, आ जाओ अंकल, साथ में खेलेंगे, आ जाओ अंकल, अंकल अंकल, ठीक है कर, आपके ऊपर चढ़ा देता हूँ। अंकल अंकल, आप तो नीचे आ जाओ अंकल, खेलेंगे, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ अंकल। खेलेंगे बाउंड्री। सुनिए, ये क्या हो रहा है? काट कर रखता हूँ। पापा,
रानी जाओ यहां से। स्वामी जी ये कह रही है ना वो बॉक्स ओपन करने के लिए, ओपन कर दीजिए ना। जब तक बच्चे की आत्मा हमारे कब्जे में है तभी तक ये हमारी बात मानेगी, अगर उसे हमने छोड़ दिया तो ये अपनी मनमानी करने लगेगी। स्वामी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। ये गणेश, गन्या, गणेश, ए गणेश, गन्या, गन्या, गणेश, गन्या, गणेश, गन्या, गन्या, गणेश। गणेश, गणेश, स्वामी जी वहां की आत्मा मुझे रास्ते से भटका रही है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हें उसे पहचानना होगा। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वहां भेज सकता हूं, क्या तुम जाना चाहोगे? बोलो। नहीं गणेश, मैं जाऊंगा स्वामी जी। अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें उस लड़की को बचाकर यहां वापस लौटना होगा, अन्यथा तुम दोनों की जान को खतरा है। जी नहीं। कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं चला जाऊंगा, मुझे भेज दीजिए। गणेश नहीं बेटा, Oh, my God.
जैसी परीक्षा ले रही है। मेरे बेटे को रानी को बचा लीजिए देवी, अरे बचा लीजिए देवी, बचा लीजिए। गणेश, देवी माँ, देवी माँ, सब ठीक हो गया बेटा। गणेश मेरे बच्चे, गणेश सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया। ए भांजे, माँ, वनी शंकरी देवी ने हमें बचा लिया माँ। हाँ, जय देवी माँ।